हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर मैथ्स टीचर टू टेम क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 प्रीवियस अभी जस्ट हमने फिनिश की है, उसे आप अच्छे से कैलकुलेट करें ताकि आपको अच्छे से वो एक्सरसाइज समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। तो इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, ठीक है बच्चों। अभी इससे प्रीवियस यानी कि 8.2 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री उस पर बेस्ड थी जिसे हमने सॉल्व किया है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी 8.3 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है। कॉम्प्लीमेंट्री आपके एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल होता है या 90 से लेस देन होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 18 डिग्री एंड 72 डिग्री ये दो हैं, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देखिए अभी 72 प्लस 18 अगर इन दोनों का सम करें तो ये 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है बच्चों। अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत ही सिंपल है, हम दो में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। न्यूमरेटर यानी कि 18 है, तो 18 डिग्री के यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 72, ठीक है बच्चों। 18 के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। राइट डाउन कर दीजिए, साइन 90 माइनस 72 एंड डिनोमिनेटर में आपका कॉस 72 वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। अभी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो का होता है कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए यूज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, एंड थीटा के रिप्लेस पे 72 डिग्री, एंड डिनोमिनेटर में सॉरी ये आपका 72 है, यहाँ पे कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ क्या है, इक्वल है। तो बोथ अगर इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1, दैट इज 1। ये आपका क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन, टैन 26 डिग्री एंड कॉट 64 डिग्री। अच्छा देखिए ये जो है आपकी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जो जिनका सम 90 हो या 90 से लेस देन हो। तो यहाँ पे देखिए 90 से लेस देन बोथ हैं, इनका सम हम कर लेते हैं, 26 डिग्री प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या अगर आपकी ये न्यूमरेटर में ही है तो दोनों में से आप किसी सिर्फ और सिर्फ एक को चेंज करेंगे। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन फिर से सेम वैसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हम चलिए यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि 26 डिग्री, 26 डिग्री के यहाँ से हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस 64 डिग्री, ठीक है। 26 के रिप्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस 64, चलिए कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा टैन 26 के रिप्लेस पे 90 माइनस 64 डिग्री, डिनोमिनेटर में हमारा कॉट 64 डिग्री। डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे है वो वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है बच्चों। अभी देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको बताई है, कौन से, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। टैन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो भी देखिए यूज़ कर लीजिए, टैन 90 माइनस इसको थीटा सपोज कर लीजिए, दैट इज हो जाएगा कॉट थीटा के रिप्लेस पे 64 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी कॉट 64 डिग्री। अभी देखिए आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो इक्वल हो गया है तो ये क्या हो सकता है,
कॉट 64 न्यूमरेटर में, कॉट 64 डिनोमिनेटर में, बोथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है आपका इवेलुएट कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोनों ही आपका ये जो एंगल्स दोनों के गिवन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड आपको मैंने बता रखा है। अब देखिए 48 डिग्री एंड 42 डिग्री बोथ का हम सम कर लेते हैं तो ये 90 डिग्री आएगा आपका। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री। अभी देखिए दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है, तो यहाँ पे आप 48 को चेंज कर लीजिए, 48 डिग्री को चेंज करेंगे ये 42 अनदर साइड पे जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 90 माइनस 42 डिग्री। अभी क्या करिए, 48 के रिप्लेस पे पुट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला जो होता है आपका कॉस 90 माइनस फोर थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जो होता है साइन थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चलिए इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम। अभी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 42 डिग्री पॉजिटिव यहाँ पे एंड माइनस साइन 42 दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ही कट करके आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को, तो इसे इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले इसे हम लिख इसे नीचे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए आपका 31 डिग्री एंड 59 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका सम 90 हो या 90 से लेस देन हो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो दोनों का देख लीजिए, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है दोनों में से एक को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे कोसेक को चेंज कर देते हैं, यानी कि 31 को, 31 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 31 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, 31 के रिप्लेस में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं, कोसेक 31 के रिप्लेस में 90 माइनस 59 डिग्री, माइनस में आपका ऑलरेडी चल रहा है क्या, सेक 59 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला बता रखा है, मैंने बता रखा है आपको कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं, अभी देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 59, 59 इज योर थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सेक, सेक थीटा के रिप्लेस पे आ जाएगा 59 डिग्री, माइनस में सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कट कर दिया। अभी देखिए आपका जो आंसर है वो 0 आ गया। ठीक है बच्चों।